इंडियन आइडल खत्म हो चुका है, लेकिन इस सीजन के कंटेस्टेंट का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पवनदीप, अरुणिता, दानिश, शनमुखप्रिया, निहार तारो जैसे कंटेस्टेंट के लिए इस शो पर बिताए पलों को भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेशक इस सेट ने इन कंटेस्टेंट को बहुत कुछ दिया, जिन्हें ये हमेशा याद रखेंगे। दानिश से तो जितना हुआ उन्होंने इस सेट के कई मोमेंट की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। बेशक करियर के लिए तो सब यहाँ आए थे, लेकिन इसके अलावा इन कंटेस्टेंट ने जो पल जिए हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और यादगार बताए जा रहे हैं। आदित्य नारायण भी इन कंटेस्टेंट से इतना घुल मिल गए थे कि इन्होंने भी इन कंटेस्टेंट के साथ खूब मस्ती की। इनकी एक मस्ती भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें आदित्य नारायण अरुणिता शनमुखप्रिया के बीच में बैठे हैं। उनके पीछे पवनदीप, दानिश और निहार तारो खड़े हैं। आदित्य नारायण इन सभी कंटेस्टेंट के साथ बैठकर वीडियो बनाने को कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वीडियो में सभी कंटेस्टेंट सोफे पर बैठे बैठे कूद रहे हैं, पागलों की तरह हाथ पैर फेंक रहे हैं। पवनदीप तो इस वीडियो में बहुत ही क्यूट अंदाज में कूदते और हाथ पैर फेंकते नजर आ रहे हैं। वही अरुणिता भी फनी वीडियो बनाने में मग्न हो जाती हैं। वो आदित्य नारायण के साथ ऐसी घुल मिल जाती हैं कि उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। उनका ये फनी अंदाज बहुत पसंद किया जा रहा है। आदित्य नारायण जब इस वीडियो को बनाकर खुद देखते हैं तो हंसी से पागल हो जाते हैं। अपनी ही वीडियो देखकर सबके सब उछलने लगते हैं। ऐसे ही कई सारे वीडियोस इन कंटेस्टेंट के साथ में शूट किए गए हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। आदित्य नारायण ने भी इस बार के सीजन के सभी कंटेस्टेंट की खूब तारीफ की। खास बात ये भी है कि अरुणिता, सायली, शनमुखप्रिया जैसी लेडीज कंटेस्टेंट आदित्य नारायण को भैया बोलती नजर आई थी। आदित्य नारायण तो अरुणिता को स्टेज पर छुपाते भी नजर आए थे। जब आखिरी दिन अरुणिता गाना शूट कर रही थी तो वो रोने लगी थी। आदित्य नारायण ने उन्हें स्टेज पर गले लगाया और शांत करवाया। आदित्य के लिए भी ये यादगार पल रहेगा। पवनदीप और अरुणिता जल्द ही एक गाने में नजर आने वाले हैं, जिसका हाल ही में टीजर लॉन्च किया गया। इस गाने में उनके साथ शनमुखप्रिया भी होंगी। टीजर लॉन्च पर आरजे सिद्धार्थ कनन ने अरुणिता और पवनदीप से उनकी दोस्ती को लेकर उनके लड़ाई झगड़े तक मजेदार सवाल भी पूछ लिए। सिद्धार्थ कनन ने जब अरुणिता से सवाल किया कि उनके लिए पवनदीप एक दोस्त के तौर पर और करियर में कितना मायने रखते हैं, तो अरुणिता ने कहा कि जब हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं तो मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज जानने की, कि ये कैसे होता है और वो कैसे होता है। और पवनदीप को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, ये हारमोनियम के डेक्स पर भी तबला बजा लेते हैं, तो ये सब देखते और जानते जानते हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है। वही जब पवनदीप राजन से पूछा गया कि ऐसी क्या चीज है जो उनकी और अरुणिता की दोस्ती को स्पेशल बनाती है, तो पवनदीप ने कहा कि हम दोनों की दोस्ती एक म्यूजिक दोस्ती है, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ, वो बहुत ही कमाल की सिंगर है। एक बार हम जैमिंग सेशन कर रहे थे तो वहाँ देखा कि ये बहुत कमाल का गा रही थी और अरुणिता एक धुरंधर कलाकार है। इसी दौरान सिद्धार्थ कनन ने अरुणिता, पवनदीप और शनमुखप्रिया से एक मजेदार सवाल पूछा, जिसका जवाब सुनकर पवनदीप थोड़ा नाराज भी हो गए। जब सवाल पूछा गया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है, तो अरुणिता ने पवनदीप की तरफ इशारा किया। अपना नाम सुनकर पवनदीप ने अरुणिता से तुरंत कहा, कैसे पता आपको, मैंने तो आप पर कभी गुस्सा ही नहीं किया। बता दें, इंडियन आइडल 12 को पवनदीप राजन ने जीता था, जबकि अरुणिता कांचीलाल शो की फर्स्ट रनर अप रही। शो खत्म हो चुका और पवनदीप अरुणिता आगे के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। तो आप भी इनके इस गाने को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने वाले पवनदीप राजन पर तोहफों की बौछार हो रही है। अभी हाल ही में पवनदीप राजन को सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने समान स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन जीत के बाद सीएम के आवास में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। पवनदीप राजन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में खिताब अपने नाम किया। उनको प्राइज में चमचमाती कार और 25 लाख रुपए मिले। उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन अच्छा गाते हैं। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। वो पहले भी एक सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं। वो 2015 में टीवी शो द वॉइस ऑफ इंडिया जीत चुके हैं। वो इंडियन आइडल 12 के खिताब के सबसे मजबूत दावेदार माने गए थे।
पवनदीप को म्यूजिक विरासत में मिला है। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया। स्वर्गीय दादा रति राजन भी अपने समय के मशहूर लोक गायक थे। पवनदीप राजन उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं। उनके पापा सुरेश राजन कुमाऊं के मशहूर सिंगर हैं। पवनदीप राजन की नानी भी फोक सिंगर थी, इसलिए पवनदीप को सिंगिंग विरासत में मिली है। इंडियन आइडल 12 के विनर तो पवनदीप राजन बने और बाकी कंटेस्टेंट यानी अरुणिता कांचीलाल, शर्मुख प्रिया, शायली कामले और मोहम्मद दानिश ने भी जमकर लाइमलाइट बटोरी। पवनदीप के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है तो वो है अरुणिता कांचीलाल, जहां अरुणिता ने विनर पवनदीप के साथ खूब गाने गाकर लाइमलाइट बटोरी, तो वहीं मोहम्मद दानिश ने अपने YouTube चैनल पर विनर पवनदीप और अरुणिता के साथ खूब वीडियो बनाकर अपलोड किए और दानिश के इस YouTube चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। दानिश ने इंडियन आइडल पे शूट के दौरान खूब सारी वीडियो बनाई थी और अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। इस बीच दानिश के YouTube चैनल की एक वीडियो भी सामने आई है जो खूब वायरल हो रही है। ये वीडियो इंडियन आइडल के सेट का आखिरी शूट बताया जा रहा है। जी हाँ, दानिश वीडियो में बताते दिख रहे हैं कि आज हमारा इंडियन आइडल के सेट पर आखिरी बार मेकअप हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस दिन को दानिश ने बहुत यादगार बनाया है और अपनी यादों को वीडियो में दिखाया है। दानिश वीडियो में बाकी सभी कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं, मेकअप रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले दानिश गरिमा से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद शनमुख प्रिया से मिलवाते हैं। शनमुख प्रिया का मेकअप हो रहा होता है। वो कहती हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन बचा है। दानिश भी कहते हैं कि हाँ, ये तो बात है, आज बहुत बुरा लग रहा है और हम सब अलग हो जाएंगे। इसके बाद दानिश आगे बढ़ते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ अरुणिता कांचीलाल का मेकअप हो रहा होता है। अरुणिता के पास ही दीप शिखा भी होती हैं। उनका नाम लेकर भी दानिश इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन वो अरुणिता का नाम तो छोड़ो, उन्हें दिखाते भी नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, दानिश ने इस वीडियो में कहीं भी अपने करीबी दोस्त पवनदीप का नाम तक नहीं लिया, जिनकी वजह से दानिश के YouTube चैनल को फायदा मिला। ऐसा हम नहीं बोल रहे बल्कि वीडियो में आ रहे कमेंट बता रहे हैं। लोगों को कहना है कि जब तुम सबको दिखा ही रहे हो तो तुम पवनदीप को कैसे भूल सकते हो। वो पवनदीप जिनकी वजह से तुम्हारी वीडियो खूब वायरल हो रही है, उनकी भी एक झलक दिखानी चाहिए थी। क्या वो दुखी एक किनारे हैं? उनके बाद दानिश सायली कामले तक से मिलवाते हैं, लेकिन पवनदीप को वो कहीं भी नहीं दिखाते। सायली कामले के चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी, वो बहुत खुश दिख रही थी। सायली वीडियो में कहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कहीं भी दानिश ने अपनी इस वीडियो में पवनदीप को नहीं दिखाया। वेल, आप इनकी दोस्ती पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।